और ये मेरे शोहर हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। बस बने हारी खाने का तो मजा ही कुछ है। थोड़े ब्यूटी शॉट्स तो बनते ही हैं इस व्लॉग में। आई लव यू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जा रहे हैं निहारी खाने। ये एक मिशन है क्योंकि मैं एक महीने से यासर को बोल रही हूँ प्लीज मुझे निहारी खाने ले चलो, प्लीज निहारी खाने ले चलो, गरम गरम नान और गरम गरम निहारी, उसमें नींबू। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। लेकिन हम ऑल द वे बहरिया टाउन से जा रहे हैं तारिक रोड बिहारी खाने के लिए। निहारी खाने के लिए मैं तो फंबल करने लग गई हूँ। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं लड़का बैठा हुआ है, उसको यासिर ने लिफ्ट दी है बीच रास्ते में और हम इसको अब बहरिया टाउन के बाहर तक छोड़ेंगे। नो मेकअप डे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसकी हेल्प तो की है लेकिन इसको पीछे क्यों बिठाया है। हमने पीछे इसलिए इसको बिठाया है क्योंकि इसने मास्क नहीं पहना हुआ है और आजकल की सूरत हाल सब जानते हैं और SOP सबको फॉलो करने चाहिए स्ट्रिक्टली। भाई आई होप आप लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मास्क की और SOPs की बात कर रही हूँ, तो मैंने तो खुद मास्क नहीं पहना हुआ। सबसे पहली बात कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दूसरी बात कि अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम जैसे ही यहाँ से गाड़ी से बाहर उतरेंगे, वी हैव आवर मास्क्स विद अस, और जैसे ही हम गाड़ी से बाहर उतरेंगे हम अपना मास्क पहन के उतरेंगे। यार ये एक्सप्रेस वे से जाएं, मलीर से जाएं, शारे फैसल से जाएं, कहाँ से जाएं, मतलब इतने रास्ते हमारे पास। तो यार से मैं किस रास्ते से जाना चाहिए? मेरी बहुत बुरी वीडियो आ रही है। नहीं, ये लगेगी अब ये ब्लूपर है। अच्छा, प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा बताओ। यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है कराची के लिए। सारे फैसले भी खत्म होने वाले हैं लेकिन ये बॉय उतरा नहीं है। मुझे लग रहा है इसने ना सुन लिया कि हम निहारी खाने जा रहे हैं तो हमारे साथ जा रहा है। और ये मेरा बिलबोर्ड है। साथ बहाज है, वो भी बताओ। हाँ प्लीज, ये साथ में बहाज है एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद हिम। मैं जहाँ भी मुड़ रहा हूँ ये कुछ कह रही है, पूछ लो कैसे क्या आपने कहा होता। पूछ लो ये ना, ये बाद में बोले आपने गाड़ी इतनी तेज चलाई। मैं बताएंगे तेज तो हम बिल्कुल नहीं चला रहे हैं, चला रहे बिल्कुल 40 की स्पीड की, चाहे तो खुद से भी उतर सकता है चलती में। चलती में कैसे उतरेगा यार। अच्छा अब हम तारिक रोड पे मुड़ चुके हैं सिग्नल से लेकिन फिर भी इस बॉय ने नहीं बोला कि मुझे यहाँ उतार दें। तो मैंने यहाँ से भी बोला, मैंने कहा शायद कोइंसिडेंस हो कि भाई इसने भी यहीं जाना हो। अब पता नहीं इतना कोइंसिडेंस होता है कि नहीं। फाइनली सिर्फ बोलने के लिए मास्क उतार रही हूँ लेकिन हम यहाँ जाहिर तैयारी पर पहुँच गए एंड आई एम एक्साइटेड एंड आई एम सो हंग्री कि बस उन्होंने सैलड वगैरह ये सब ला के रख लिया है। निहारी भी थोड़ी देर में आने वाली है। मुझे निहारी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी निहारी आ गई है लेकिन उसमें से यास पहले उसका तेल खत्म कर रहे हैं और ये गरम 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 नान। Can't wait to have this. तो अब मैं सुकून से खाऊंगी। हाथ कट गया मेरा सुना। मशहूर है जमाना। सलाम। और ये इनका बेटा है, क्यूट। तो अभी हम मिले थे वकार भाई से और यासिर मुझे बोलता है, कहता है मैं पहले उनके साथ गेम खेल रहा था, मुझे वो तो खेलने देती, तुमने पहले ही बोल दिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। बट क्या वो खूबसूरत इंसान है। माशाल्लाह से मेरी शादी का मेकअप उन्होंने किया था एंड ही वॉज द वन जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आए। हम यहाँ आए हैं यासिर के कुछ कपड़े उठाने के लिए इन द मॉल। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरा शौहर मिल गया है और वो कुछ सूट सेलेक्ट कर रहे हैं। ये क्या लाइट का इफेक्ट है, मेरे शौहर शॉपिंग कर रहे हैं
और मैं यहाँ पर बैठकर चिल कर रही हूँ, सुकून कर रही हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा ऐसे ही घूमूं, पजामे में, शोहर की टी शर्ट में। ये है वो शख्स जो अपनी बेगम को इंतजार करवा रहा है और शॉपिंग पर शॉपिंग किया जा रहा है। यार इससे बड़ा साइज है? अब जब टैग उतार दिया है तब सोच रहे कि इससे बड़ी लूं। मुझे तो नींद आ गई है, ये शॉपिंग नहीं हो रही ना इसलिए। क्या किया? क्या किया? क्या किया? फ्यूरर ने गिफ्ट दिया मुझे पता। फाइनली मेरा शोहर शॉपिंग करके वापस आ गया और पीछे जरा सामान देखें और इस बॉय को देखें जिसके कपड़े भी चेंज हो गए हैं। हमें कितना टाइम लगेगा जाने में? अभी हम मोबाइल मार्केट से गुजर रहे हैं और मैं ये सब देख के सोच रही थी कि अगर इन सारी तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए और ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, अगर इनको हम पेंट कर दें, इनको हम बचा लें, क्या खूबसूरत बैल्कनीज हैं इसकी, क्या खूबसूरत रास्ता है, कितना पुराना है, हमारी हिस्ट्री है, अगर इस सब को हम सही कर दें तो ये किसी भी और यूरोपियन कंट्री की तरह हो सकता है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि मुझे फिर से भूख लगना शुरू हो गई है और मैंने यासिर को कहा है कि हमें यहाँ कैफ़े दरक्षा पे, जो एक पुराना ईरानी होटल है, यहाँ पे खाना खिलाए। एड्रेस भी नहीं बताऊंगी अब। और इस तरह हमें हमारी ख्वाहिश से महरूम कर दिया गया। जब आपको बहुत भूख हो और आपको ये गरम गरम ठेले के फ्राइज मिल जाएं मसाले के साथ, पता नहीं मैं कब इन फ्राइज से मेरा दिल भरेगा। मुझे नहीं लगता कभी भरेगा। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, हमारा दिन बहुत प्यारा और बहुत अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके प्यार का और आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल।